मुझे जानना है कि मेरे पति की गलती क्या थी, क्यों मारा उनको। मुझे उनके दोस्तों के खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए। ऐसे दोस्त किसी को नहीं मिलने चाहिए। टोटल 9 लोग इन्वॉल्व थे, 8 नामजद हैं, उसमें से 7 गिरफ्तार हैं और 1 फरार है। मुझे पुलिस ने कभी कॉल ही नहीं किया। मुझे कोई सूचना नहीं दी गई कि मेरे पति के साथ क्या हुआ। वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं खुद हॉस्पिटल पहुंची थी। कैसे पता चला था? जब बहुत देर हो गई थी तो मैंने उनको कॉल करना शुरू किया। उनका नंबर ऑफ आ रहा था तो मैंने उनके एक दोस्त को कॉल किया। फिर उन्होंने बोला कि मैं आज ऑफिस में नहीं था, मुझे नहीं पता। फिर मैंने किसी और का नंबर मांगा, उनको मैंने फ़ोन किया। उन्होंने मुझे बस इतना ही बोला कि यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, हम लोग फंसे हुए हैं, आपको हम 2-3 मिनट में कॉल करते हैं। लेकिन इस बात को मैंने 1 बजे के करीब में उनसे बात की थी। 2 बजे फिर मुझे फ़ोन आया कि ब्रजेश की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है, आप हॉस्पिटल आ जाइए उनसे मिलने। मुझे जानना है कि मेरे पति की गलती क्या थी, क्यों मारा उनको, उन्होंने ऐसा क्या किया था और बाकी 6 लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे। पुलिस ने बाहर से 8 लोगों को शायद से कस्टडी में लिया है। मुझे उनके दोस्तों से भी पूछना है कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे, वो लोग वहाँ दर्शक बन के क्यों बैठे थे। मेरे पति की ऐसी हालत हो गई, वो मर गए वहाँ पे और फिर भी उन्होंने ये भी नहीं ज़रूरी समझा कि मुझे एक बार फ़ोन करके बता सके। उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके नहीं बताया था। मैं हॉस्पिटल पहुंची तो भी वहां किसी ने मुझे नहीं बताया कि ब्रजेश नहीं रहे। इसमें पुलिस, दोस्त, बार के लोग, मालिक, सब लोग इन्वॉल्व हैं। मुझे उनके दोस्तों के खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए। ऐसे दोस्त किसी को नहीं मिलने चाहिए। दोस्त का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसा करें, और इतना कुछ होने के बाद आप लोग फिर भी पुलिस, चौकी, थाना ये कर रहे थे, आप उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं आए। आप लोग इतने बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप लोगों का दिमाग इतना काम नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को अपने पैसे की गर्मी दिखानी थी, अपना तेवर दिखाना था कि हाँ हम भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आप पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। 11 बजे की बात है, मुझे तो 3 बजे पता चला मेरे हस्बैंड नहीं रहे। देखिए, जो परसों घड़न गेरिया के एक बार में घटना घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति के साथ वहाँ के जो मॉल के स्टाफ थे और प्लस बार के स्टाफ थे, उन लोगों ने मारपीट की थी, उसमें हम लोगों ने पूरी तरह से छानबीन की है। छानबीन करने के बाद इसमें से पूरी इस घटना में 9 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं। 9 लोगों में से 8 लोग की पहचान हो चुकी है, वो नामजद हैं। इसमें से 2 मॉल का जो सिक्योरिटी का गार्ड था वो था, और बाकी 5 लोग उस जो बार है उसके स्टाफ थे। 7 लोग ये गिरफ्तार हो चुके हैं। 1 व्यक्ति फरार है जो उस बार का ही स्टाफ है, और 1 अज्ञात व्यक्ति, इसके बारे में अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इस प्रकार टोटल 9 लोग इन्वॉल्व थे, 8 नामजद हैं, उसमें से 7 गिरफ्तार हैं और 1 फरार है। और 7 गिरफ्तार में से 5 उस बार के स्टाफ हैं और 2 उस मॉल की सिक्योरिटी के स्टाफ हैं, और इन सभी लोगों को हम लोगों ने आज गिरफ्तार करके जेल भेजा है। और बाकी इसमें जो एविडेंस था उसको देखते हुए और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पीएम रिपोर्ट में उनको इंजरी है, हेड इंजरी थी, स्प्लीन रप्चर था, और प्लस जो स्टमक था उसमें भी फ्लूइड था।